अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और खूबसूरत से ड्रोन व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा होगा और थंबनेल पर भी देखा, जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है और आपने दुरुस्त देखा। आज हम जा रहे हैं आज से 34 साल पहले जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का जहाज जहाँ पर गिरा था उस गाँव में जा रहे हैं, बजरिया ड्रोन। तो हमारे साथ रहिए, रास्ते में आने वाले खूबसूरत से मनाजिर भी आपको दिखाएंगे और उस गांव की सैर भी करवाएंगे और आज आपको वो जगह दिखाएंगे, बिल्कुल वो गांव दिखाएंगे, फजाई मनाजिर दिखाएंगे वहां के, बिल्कुल ऐन उसी जगह पर खड़े होंगे जहां पर वो जहाज गिरकर तबाह हुआ था। तो इस वक्त हमारा ड्रोन रवा दवा है और हम जा रहे हैं बहावलपुर से इस वक्त लोधरा वाली साइड पर, और इस वक्त हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। तो हम इस वक्त ये जो एरो का साइन आपको नज़र आ रहा है, हमने तो इस तरफ जाना था, तो आइए हम इस तरफ अपने ड्रोन को मोड़ते हैं। तो जनाब सबसे पहले हम ये सीन आपको कैप्चर करके दिखा रहे हैं, बहुत ही प्यारा देहाती माहौल देखने को मिला है। मैंने कहा यहाँ से ड्रोन को ज़रूर गुजारा जाए, तो आइए देखते हैं। देखें चाय पीते ये लोग कितना अच्छा लग रहा है। ये रास्ते में कुछ डॉग्स इस वक्त हमें नजर आए हैं जो कि गधों को जो है वो तंग कर रहे थे, तो आइए हम जरा इन्हें तंग करते हैं और इनको भगाते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम गांव की तरफ, उस गांव की तरफ जिसका नाम है बस्ती लाल कमाल। बस्ती लाल कमाल तो हमें वाकई कमाल की नज़र आ रही है जी, दाएं बाएं बहुत ही खूबसूरत से ग्रीन ग्रीन सरसब्ज और शादाब फसलें हमें नज़र आ रही हैं, कच्ची सड़कें, बहुत प्यारा और खूबसूरत सा गांव और बिल्कुल ऐसा ही गांव जो कि गांव हुआ करते हैं। तो दोस्तों आपको एक बार फिर बताते चलें, हम चल रहे हैं इस वक्त बस्ती लाल कमाल। ये बस्ती बहावलपुर से तकरीबन 10 से 12 15 किलोमीटर दूर है और अगर लोधरा से आए तो भी इतनी ही दूर पड़ती है। तो ये सेंटर में है और बहुत खूबसूरत सी ये बस्ती है, और इस बस्ती की जो मशहूरी की जो वजह बनी वो है आज से 34 साल पहले 17 अगस्त 1988 को जहाज ने उड़ान भरी बहावलपुर एयरपोर्ट से, और चंद ही लम्हों बाद उसकी आग की लपेट में आने से वो इस बस्ती में आकर गिरा। इधर देखकर उम्मीद है कि आपको ये मनाजिर अच्छे लग रहे होंगे। देखें सामने कितने प्यारे खूबसूरत से घर, कच्चे पक्के ये मकानात। वो देखें एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ज़रा नोट कीजिएगा, छत के आयन अंदर से ही खजूर का दरख्त निकल रहा है। तो एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्या अजूबा है जी ये तो, वाह। तो आगे चलते हैं हम और बढ़ते हैं उस मंजिल की तरफ। ये इस वक्त बस्ती लाल कमाल का ख़ास इलाका शुरू हो चुका है, आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इस वक्त हम बस्ती लाल कमाल के अंदर इन हो चुके हैं और बस बहुत ही करीब है वो इलाका। तो उस जगह से पहुंचने से पहले ये खूबसूरत से मनाजर आप इंजॉय करें। देखें कितने प्यारे, यहाँ भी बहुत सारे खूबसूरत मकानात हैं जी, जैसे शहरों में आते हैं, बहुत खूबसूरत सी कोठियाँ और बंगले और साथ में कच्ची आबादियों का खूबसूरत सा इम्तिजाज, बहुत ही प्यारा ये खूबसूरत सा गांव। बस्ती लाल कमाल की तरफ बढ़ते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, और अब बहुत ही करीब आ चुके हैं हम। तो दोस्तों आज के व्लॉग में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा।
तो हम अब पहुंच चुके हैं उस जगह पर, तो आइए आपको दिखाते हैं वो जगह। हम वापस मोड़ कर इस ड्रोन को उस जगह पर ले आते हैं। ये जी वो बस्ती है, ये उसके खेत हैं, बस्ती लाल कमाल। आज से 34 साल पहले इसी जगह पर जहाज गिरा था। तो ये हम इस वक्त मोड़ कर ये देख सकते हैं, ये सामने बुर्जी लगी हुई है, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल्लाह शहीद यादगार शहदाए बहावलपुर लिखा हुआ है, उसकी बुर्जी लगी हुई है। तकरीबन 10 से 15 लोग जो थे इस जहाज़ में थे, और पाकिस्तान आर्मी की चोटी के अफसरान इसमें शामिल थे, तमाम के तमाम शहीद हो गए। ये देखें जी, ये जो सीमेंट की बुर्जी और साथ में सीमेंट और बजरी का जो इंतजाज है, जगह बनाई हुई है, यही वो जगह है, ऐन वही जगह है जहाँ पर जहाज़ आज से 34 साल पहले गिरा था। तो ये निशानी के तौर पर यहाँ पर बताया गया है कि ये वो जगह है जहाँ पर बुर्जी लगाई गई, और साथ में जहाँ पर जहाज़ का मलबा था उस जगह पर बजरी और सीमेंट की वजह के साथ उसको पक्का कर दिया गया। तो ड्रोन इस वक्त रोटेट करके हम दिखा रहे हैं एक बार फिर आपको यहाँ से, और आइए आपको अब इसके कुर्ब व जवार का खूबसूरत सा इलाका भी और आबादी भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का ड्रोन व्लॉग बस्ती लाल कमाल जो कि आपने देखा। हाँ जी, ये कुत्ता ज़रा तंग कर रहा था तो हमने कहा हम भी इसे तंग करते हैं। तो ज़रूर बताइएगा आज का आपको ड्रोन व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले ड्रोन व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हाँ, अगला ड्रोन व्लॉग इंशाल्लाह आपको ज़िला लोधरा से दिखाएंगे।